नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। आज माता चंद्रघंटा का दिन है और मैं चाहता हूँ वाली से माता से प्रार्थना है कि आप सब बहुत खुश रहे, मजे करें। और हमारी माता जी हमें अभी जिद कर रही है कि हमें गोदी में लो। हम मुझे जिद कर रही है कि गोदी में लो। एक मिनट, कुछ लोगों का कहना है कि आपको भी मुझे शूट करना चाहिए। तो आप ऐसे जिसने भी लिखा था कि आप शिल्पा को भी जो है पूर्वा को शूट करना चाहिए। देखिए, जैसे ही आपने बोला मैंने आपकी बात सुन ली, थम्स अप। तुम किधर जाना है? किधर जाना है इसको? आई थिंक अभी दादी के जाना है, दादी के रूम में जाना है। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात और करना चाह रहा था अभी। मैंने आपको, अरे भैया क्या है, आप लोग ऐसे ही पकड़ते हो पकड़ के, मम्मी दादी नानी सब ऐसे। अरे भैया एक मिनट, शांति। तो हमारी जो सुबह की पूजा है वो संपन्न हुई और अब माता का जो दरवाजा है, दूर मंदिर का, हम लोग बंद करते हैं। ये रहे मिस्टर बॉलीवुड। और हाँ जी, आज नवरात्रि का थर्ड डे है और आज जो है ईद भी है। तो औसम अग्निहोत्री की तरफ से दरवाज़ा थोड़ा सा खोल लूँ क्या, आप लोगों को ज़्यादा मैं बेहतर दिखाई पड़ूंगा। तो औसम अग्निहोत्री की तरफ से आप सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। हमें तो ऊपर वाले ने इशू के रूप में ईद ही दे ही दी है, लाइफ की सबसे बढ़िया, सबसे बिगेस्ट ईद ही तो ये है। और हम चाहते हैं कि आज आप लोग मस्ती करिए, इंजॉय करिए, एक दूसरे से गले मिलिए, ईदी लीजिए अपने से बड़ों से। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये है कि मैंने आज एक दो दिन से मैं पढ़ रहा हूँ पतंजलि के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में। मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था, मैं मॉम से भी बात कर रहा था, क्योंकि मॉम जो है हमारी, ईशु आ जाओ, क्या खा ले हो? ईशु जाला है कुछ खाते खाते। मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था ये सुन के कि कितने सालों पतंजलि वालों ने जो है बाबा रामदेव और उनके जो भी बाल कृष्णा, जो भी उनके क्या बोलते हैं, उनके जो पार्टनर हैं, कितने सारे लोगों को, कितने सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मॉम भी मेरी बहुत पीछे पड़ती थी पहले कि तुम्हें पतंजलि की प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों उनका जो पूरा वो था ना पछाड़, मुझे हमेशा से बहुत वियर्ड लगता था। मुझे लगता था यार एक गेरुए वस्त्र में पहने हुए, मेरी समझ में जो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है उसको भगवान, मतलब वो भगवान का दूत है यहाँ पे, यू नो। और इन लोगों ने गेरवे वस्त्र पहन के लोगों को इतने सालों बेवकूफ़ बनाया है और उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। आई एम सो हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनली कमिंग डाउन हेवली ऑन दीज गाइज। और मेरा आप लोगों से भी बस ये कहना है कि जो भी सो कॉल्ड सेंट्स या गॉडमैन है ना, उनके ऊपर आंखें बंद करके प्लीज़ भरोसा मत करिए, बिकॉज जो असली लोग हैं ना वो आपको ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगे। तो भाई लोग ये भी पूछते हैं, समझे गुड्डू, लोग ये भी पूछते हैं कि ईशु क्या खाती है। ईशु की डाइट शेयर करिए। हाँ पॉली, एक सेकेंड। ईशु सब कुछ खाती है। सब कुछ मतलब? ईशु जब से 6 महीने की थी, ईशु इज एवरीथिंग। ईशु के डॉक्टर ने कहा था कि अगर बच्चा आपकी इच्छा से जो आपके प्लेट में है वो खाना चाहता है तो आपको वो इनकरेज करना चाहिए, रोकना मत कभी भी। दैट मींस शी वांट्स टू ईट इट। हम तो ब्लेस्ड है, ईशु ऑलवेज वांटेड टू ईट व्हाट वाज ऑन माय प्लेट। इसलिए गिर जाएगा बेटा। वी थैंकफुली नेवर गॉटन टू प्यूरी। जो एक फेज मैंने, देखो कितनी इंटेलिजेंट मैं, भैया नीचे अभी खाते वक्त नहीं प्लेट नहीं दिखा रहा हूं, सब ईशु देख ईशु और आप बस उसमें डाला, नहीं खाना था तो शी पुट इट बैक इन देयर। अच्छा ये बता दो ईशु इस वक्त खा क्या रही है, क्योंकि ईशु का प्लेट नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा चलो भाई दिखा दो। ईशु पोहा खा रहा है, पोहे में टमाटर, पोहे में गाजर, पोहे में मटर। ये लाइक सात्विकी पोहा, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, मैंने वो उनको दिखाया था ना एक बार पोहा का, पूरा बोल गिर जाएगा बेटा। तो इसमें ना प्याज है, ना क्या है, ना लहसुन, कुछ लहसुन तो क्या वैसे भी नहीं पड़ता मेरे ख्याल से ना पोहे में, तो ये है। और अच्छा हेलो, आपने ईद की तो पेशी नहीं करी सबको। मम्मा नहीं खा सकता ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छे ही है। हम लोग रोज आते हैं यार, हम काम के लिए रेडी हो रहे हैं, हमारा वर्क डे स्टार्टिंग। यस मैं
एक्चुअली वो खत्म करके करना चाह रही थी, बट हमारी तरफ से हमारे प्यारे 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 व्यूअर्स को ईद मुबारक। इसलिए सबको ईद मुबारक कह दे, आई लव यू बोले बेटू। और बहुत अच्छा लगता है, इतना फेस्टिव माहौल और नज़ारा होता है सुबह 5:30 भी, बिकॉज एवरीबॉडी इज आउट इन द ब्यूटीफुल पठानी। सबने अपनी वो टोपी, खालो खाला आपका चोरी बात दिखाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। और हर जगह मतलब द होल ऑफ लोखंडवाला स्मेलिंग ऑफ पिक्चर बहुत प्यारा लगता है वो, बिकॉज यू नो एवरीबॉडी इज मेड द एफर्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4:30, गेट रेडी और सब जा रहे हैं पूजा करने। सो हैव अ ग्रेट वन गाइस, और अल्लाह भगवान सब हम सबको खूब ब्लेस करें, खूब सक्सेस दें, खूब अच्छी हेल्थ दें, खूब प्रॉस्पेरिटी दें, और हम सब साथ में हो। एंड लेट्स मेक दिस अ पॉजिटिव ईयर वेयर वी से पॉजिटिव थिंग्स टू ईच अदर, गुड थिंग्स टू ईच अदर, वी राइट गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स टू ईच अदर। सो यप, आई लव यू ऑल। यही था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। आप में से कई लोग जो हमसे बिगनिंग से जुड़े हैं वो ये सोचते होंगे कि शिल्पा ने ये आ गई, उल्टी आ गई। शिल्पा ने सूट पहना है, कुर्ता पहना है, इंडियन कपड़े पहने हैं। शिल्पा ने बिंदी कैसे नहीं पहनी है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, आई वेयर अ बिंदी। अब पिछले 3-4 दिन से देर इज़ अ न्यू थिंग दैट मैडम जी हैज स्टार्टेड। जैसे मुझे बिंदी पहने हुए देखती, जैसे आपने देखा फट करके आके निकाल के, एंड शी जस्ट पुट इट समवेयर ऑन, शी वांट्स टू वेयर इट। इसलिए इंडियन कपड़ों में इश्लू बेटा अभी खाने का अनादर हो रहा है। नो नॉट नाइस बेटू, गिराना नहीं इश्लू। अच्छा इश्लू, बाबा रे क्या हो रहा है इश्लू, डब्बे से कौन खाता है यार इश्लू? डब्बे से खा नहीं रही, नीचे देखो पूरा गिरा है, अच्छा इश्लू इश्लू एक सेकंड अपना फेस दिखा दे, ये देखा वेस्टर्न कपड़ों के साथ बिंदी, अयमो। जिस एक चीज से माँ को एकदम आपत्ति थी, बेटी बिल्कुल वही कर रही है। सो या दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू शो यू गाइस, कैसे मेरी बिंदियाँ चोरी होती हैं। इसलिए अब मैं जितनी भी बार बिंदी लगा लूँ दिन में, वो निकाल के अपने ऊपर ही लगाएगी। सो आई एम बिंदी लेस नाउ। मुझे देखना है कि इशू किशोर कुमार के गाने से चुप होगी कि नहीं होगी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। बस बस गुच्छा नहीं बेटा, कोरा कागज था। अरे ओके भाई, किशोर दा पसंद नहीं आ रहे इशू, सॉरी हम चल। लिख दिया नाम उस पे तेरा। ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। पर मुझे लगता है अब किशोर दा के गाने से इशू नाच रहेगी। इशू इशू, मैं हूँ झुम 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 रूप बन के गुम 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 गुम, मैं तो प्यार का गीत सुनाता चला, ला 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 ला। ठीक है भाई, किशोर दा आउट। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। हमें देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपके प्यार की सख्त जरूरत है। और अगर हम आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे बारे में आप बाकी लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा। वी लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी ईद, ऑसम अग्निहोत्री इसकी तरफ से एक बार फिर आप सबके लिए। बाय बाय।